दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफ स्टॉक के बारे में। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ताकि अपडेट मिलते रहे। देखो दोस्तों, जैसा कि आपने को पता है, आज मार्केट ने एक बड़ी रैली दिखाई है। मार्केट के अंदर एक बड़ा बाउंस हमें नजर आया है और मार्केट ने दोस्तों एक बड़ा गेन किया। 1.5% मार्केट आज उछल चुका है। बजट से पहले की तेजी है। एंड यहाँ पे आपको मैंने पहले भी कहा था, कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर आज मौका मिलता है आपको खरीदने का, अगर गिरावट होती है तो आपको बाई करना है क्योंकि स्टॉक फिर से धमाका करेगा। देखो इतना उछला है यहाँ पे स्टॉक, ऑलराउंड 1 महीने में पैसा डबल किया है, तो इतनी वोलेटिलिटी तो यहाँ पे बनती है भाई। कंसोलिडेट कर रहा है ऊपरी लेवल पे। देखो दो चीजें चल रही है, देखे टाइम, एक तो चल रही है रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग, एक चल रही है बड़े प्लेयर के द्वारा बाइंग। अब समझो, अब कैसे, पहले डाटा आपको समझा था, उसके बाद पूरी चीजें क्लियर करूंगा। देखो आज भाई हमने देखा 7 साढ़े 7 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है। एंड इसी के साथ डेमो का डाटा भी के टाइम बताऊं मैं तो, 1 करोड़ 18 लाख के साथ सेल क्वांटिटी है एंड 33 करोड़ 33 लाख के साथ यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी है। अब आपको समझना है डिमांड कि भाई डिलीवरी कितनी नजर आई है। देखो ये जो डिलीवरी है, ये बताएगी कि अगला स्टॉक का स्टेप क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि टाइम आप देखेंगे दोस्तों, 42% की डिलीवरी देखने को मिली और बताओ मैं तो 3 करोड़ के आसपास शेयरों की डिलीवरी हमें नजर आई है। भाई देखो अभी के टाइम बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर शांत है। क्यों? क्योंकि बजट आने वाला है। बजट से पहले अभी से अगर थोड़ा सा हल्का सा भी ऊपर लेके गए तो रिटेलर्स किससे पीछे पड़ जाएगा, रिटेलर्स दबा के यहाँ पे बाई कर लेगा। तो बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर एक चीज कर रहे हैं अभी के टाइम कि स्टॉक को थोड़ा बिग वाली करवाओ, मतलब रिटेलर्स को माल बिकवाओ, यहाँ पे खुद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट करो ताकि रिटेलर्स बेच रहे। अब रिटेलर्स बेचेंगे वो भी देखो फायदे तो प्रॉफिट के लिए, जैसे ऊपर गया गिरावट कराने में कौन था बड़ा प्लेयर, रिटेलर्स। क्योंकि रिटेलर भाई ऐसा नहीं रिटेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करेगा, रिटेलर तो हमेशा कितना ही भागे बाई करता ही रहेगा। आपने अगर यहाँ पे खरीदा आप प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे, बट रिटेलर्स यहाँ पे भी खरीदने के लिए तैयार रहेगा, ये चीज आपको अच्छी तरह पता है। अब समझो, अब बड़े प्लेयर अभी के टाइम कर क्या रहे हैं, बड़े प्लेयर वही माल खरीद रहे हैं जो रिटेलर से बेच रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे दोस्तों चीजें क्लियर होगी, बजट से भी देखो, बजट में कोई क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है कि बजट नेगेटिव आएगा। बजट रेलवे के स्टॉक्स के लिए धमाकेदार रहने वाला, तो फिर से बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का मौका है भाई, चूकना मत। पहले भी मैंने बोला था जब स्टॉक 103 रुपए एंड 190 रुपए के आसपास गया था, तब भी बोला था कि भाई मौका है। अभी भी बोल रहे हैं कि भाई मौका है, बाद में फिर आप बोलेंगे कि भाई बताया नहीं, तो अभी मौका है, अभी ऊपर क्यों जाएगा ये चीज समझो, क्योंकि लॉजिकली बात करना मेरी एक आदत है। देखो ऊपर इसलिए जाएगा कि भाई देखो बड़े प्लेयर ने क्या किया, पहले जब 90 रुपए 100 रुपए तक तब स्टॉक को भगाया, ठीक है, खूब भगाया, दबा के माल खरीदा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेन पड़ाव अब आने वाला, बजट जिसके लिए स्टॉक को रैली दिखाया वो चीज तो आने वाली है। अगर वो चीज सही रही तो उसी दिन आपको 10% का अपर सर्किट यहाँ से देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद बड़े प्लेयर स्टॉक को नहीं रोकेंगे क्योंकि बड़े प्लेयर के पास एक वजह आ जाएगी, चाहे पिछले 1 महीने में डबल ही करो, बड़े प्लेयर के पास स्टॉक को भगाने के लिए वजह चाहिए भाई। अगर बड़े प्लेयर यहाँ से सेलिंग कर देना तो कम से कम आपको ये वापस 150 के आसपास नजर आता, बट बड़े प्लेयर ने सेलिंग नहीं करी है, बड़े प्लेयर ने उल्टा रिटेलर से दिखवाया है। एक बार ऊपर से थोड़ा सा माल बेचा, स्टॉक गिरा, उसके बाद रिटेलर को लगा कि अभी गिरेगा तो माल बेच के सब निकल, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो वही चीज यहाँ पे भाई अभी के टाइम देखने को मिल रही है। जल्दबाजी नहीं करना है, डिमांड है, मार्केट में भी तेजी है। एंड जैसे ही यहाँ पे बजट आएगा, बजट के एक दिन पहले मतलब 30 तारीख से ही दोस्तों आपको यहाँ पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। 30 तारीख के दिन भी कम से कम यहाँ से आपको 4-5-6% की तेजी में दिखेगा। एंड जो आपका 200 का टारगेट है वो एक दिन की तेजी में हो जाएगा। तो भाई मौका है, चूकना मत। एंड आरएसआई फिर से डाउन आ चुका है। रिजल्ट की बात कर लो कि रिजल्ट डेट क्या है, तो रिजल्ट डेट पहले हम चेक कर लेते हैं, रिजल्ट डेट कितनी है, कंपनी अनाउंस करी नहीं करी। तो अभी के टाइम यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अनाउंस करते आपको अपडेट हम करेंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेक्निकल डाटा कि भाई किस लेवल पे स्टॉक उठाना चाहिए, किस लेवल, 77 मतलब यहाँ पर अराउंड 75-70 के आसपास मिलता है भाई, मौका बनेगा जबरदस्त। आप कम से कम इस लेवल पर कितना इन्वेस्टमेंट बनता है, कम से कम इस लेवल पर बनता है दोस्तों 70% इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस लेवल के अंदर, क्योंकि ये लेवल अच्छा है। एंड करंटली आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो गिरावट होनी होती तो ये यहाँ से गिरता, बट क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि बड़े प्लेयर स्टॉक को संभाल रहे हैं। गिरावट तब होती है जब सेलिंग की जाती है, बट सेलिंग के अंदर अगर बाइंग भी आ रही है ना साथ के साथ, तो स्टॉक नहीं गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो कंसोलिडेट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो भाई जल्दबाजी नहीं करना है, अगर आपने टारगेट बड़े देखे हैं तो अभी के टाइम पेशेंस रखो, सारे टारगेट अचीव होंगे। बजट के बाद इजीली दोस्तों 250 के टारगेट यहाँ पे नजर आ सकते हैं, अगर चीजें क्लियर की सही रही तो होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई